हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बता रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी। तो चलिए बिना आपका समय गवाए इस मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। हरीश नाम का एक लड़का था, उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस पूरी ज़रूर करेगा। अब रेस शुरू हुई, हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे मगर अब हरीश थक गया था, वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया, वह धीरे धीरे चलने लगा मगर वह आगे ज़रूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज़्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी ज़रूर करेगा। वह ज़िद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था। वह ज़मीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था, लेकिन आज वह बहुत खुश था क्योंकि वह हार कर भी जीता था। दोस्तों, हम भी तो इसी तरह की गलती करते हैं अपनी लाइफ में। कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज़ 10 आवर्स की स्टडी करते हो और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते मगर आपको भले ही 5 घंटे मिले, पढ़ना ज़रूर चाहिए। हरीश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहें तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। अगर आपको भी यह मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ आगे लाते रहेंगे। धन्यवाद।